अगर मैं कहूं कि मुझे शैली नहीं पसंद, कोई और पसंद है तो? कोई और? कौन? चीजू। नीति, ये क्या बोल रही है तू यार? तू जानती है? जानती हूँ मैं परी, मैं सब जानती हूँ, लेकिन यार सच में मुझे जीजू बहुत अच्छे लगते हैं। उन्हें देख के दिल में अजीब सी फीलिंग होती है मेरे। ऐसा लगता है जैसे हम बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, बहुत करीब से जानते हैं एक दूसरे को। दिल करता है कि वो हमेशा मेरे आसपास रहे। मतलब तू खुद सोच ना, जब भी जीजू मेरे आसपास होते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन नीति, वो तेरे जीजू है और मैं कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तू मुझसे प्यार करती है, और तू ही कहती है ना कि तू मेरी भी कर सकती है। तो जा बाहर जाके ना मेरी और शैली की सगाई कैंसिल कर दे। अभी अभी तूने कहा था ना परी कि तू चाहती है कि हमेशा मेरी आंखों में कभी भी आंसू आए तो वो खुशी के ही हो। तो मेरी खुशी के लिए इतना नहीं करेगी? मेरी खुशी के लिए दे देना अपने पति को मुझे। कौन है वहां पर? कौन है? मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई था, पर कोई नहीं था। शायद मेरा वहम होगा। तो कोई दिख नहीं रहा, बट आई एम श्योर कोई तो है। देख भाग गया, भाग कर जाएगा कहां? चल पकड़ते हैं इसे। सत श्री अकाल जी। आइए आइए। भैया ये कोल्ड ड्रिंक हमने बचा के थोड़ी रखनी है, दो सबको। वहां पे फिर मैं आपसे ना एक बात पूछने ही भूल गया। कुछ? ये शैली को आपके और नीति भाभी के डिवोर्स के बारे में पता है? हाँ पता होगा ही, आफ्टर ऑल शैली मेरे बॉस का भतीजा है और मिस्टर मेहरा एंड मिसेस मेहरा इज लाइक अ फैमिली, उन्हें सब पता है। अब नहीं, सही कह रहे हो, लेकिन मुझे मोंटी। अरे ताऊ जी, ताई जी। नमस्ते। 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 हेलो शैली, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? गुड, थैंक यू। शैली मैं तुम्हें इससे तो मिलाना भूल गया, ये मेरा छोटा भाई मोंटी। हाय मोंटी। हाय शैली। शैली मेरा, तुम्हें देखा नहीं कभी यहाँ पे, क्या करते हो तुम? अरे यार वो मैं स्टडीज के लिए ना। स्टडी का नाम मेरे सामने मत लो, स्टडी का नाम सुनती मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है। बड़ी मुश्किल से स्टडी कंप्लीट करी है मैंने। खैर मोंटी का भी यही हाल है। ब्रो तुम किसे ढूंढ रहे? अरे थोड़ा इंतजार का मजा ले लो यार, इतनी जल्दी क्या तुम्हें? नहीं नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज कम, प्लीज कम। आइए आइए सर। एक ही हो या?
टैक्सी टैक्सी चल 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 मेरे भाई चल 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 पागल तू भी ना कमाल करती है सच्ची चेहरे का रंग तो देख बिल गया पर यार रिलैक्स कभी नहीं छीनूंगी मैं तेरे पति को तुझसे बट चीचू है बड़े हैंडसम पसंद करती हूँ मैं उन्हें अगर पसंद नहीं करती ना तो तुम दोनों की शादी कभी नहीं होने देती तुड़वा देती तू ना सच में पागल है तुझे पता है एक पल के लिए ना मेरी जान ही निकल गई थी डोंट वरी परी नीति जुनेजा ऐसी नहीं है कि किसी और के पति को छीन ले मैं वैसी लड़की नहीं हूं ना और वैसे भी मेरी किस्मत में जो होगा वही मिलेगा और भगवान जी ने मेरी किस्मत में शैलेंद्र मेहरा को लिखा है जीजू को नहीं पर नीति यार सच में तुझसे बढ़कर ना मेरे लिए कुछ भी नहीं है कोई भी नहीं है तेरी खुशी के लिए मैं सच में कुछ भी कर सकती हूँ तो दे दे अपने पति को फिर से डर गई हे भगवान परी यार क्या होगा तेरा रिलैक्स तू भी ना बट हाँ मैं एक बात नोट कर रही हूँ जीजू का नाम आते ही ना तेरे चेहरे के एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते बड़ा मजा आ रहा है तुझे ऐसे चेंडे में तू ना पागल ही एक नंबर की मैं ना जल्दी से तेरी सगाई करवाती हूँ ताकि मेरे अलावा तुझे कोई और भी मिल जाए छेड़ने के लिए चल अब नीति तू मेरी भी नानी निकली गाड़ी भगा गाड़ी भगा प्लीज यार जल्दी गाड़ी भगा यार प्लीज ए भगाना कौन है ये लोग से बचू कैसे बचू नीति को फोन करता हूँ अगर लगा पीछे लगा वो राकेश को बोलिए कुछ आदमी भेजने के लिए पर ये गुंडे है कौन ए गाड़ी रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक 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 अब उसे लगेगा कि हम लोग पीछा नहीं कर रहे मिसेस मेहरा जी परमिंदर बहन जी सब ठीक है आप कुछ परेशान सी लग रही हैं शैली आई थिंक तुझे नीति से शादी नहीं करनी चाहिए मैं नहीं चाहता मैं अपनी एंगेजमेंट में सबसे लास्ट में पहुंचूं अगर आप दोनों टाइम पे रेडी नहीं हुए ना तो मैं अकेला चला जाऊंगा अब नीति को ज्यादा देर देखे बिना रहा नहीं जाता हाँ हाँ सब ठीक है ना देखिए ना शैली नीति को कितना पसंद करने लगा है और हमें भी नीति से कोई एतराज नहीं है लेकिन लेकिन क्या बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं वो ठीक है लेकिन जो बात हम बड़े जानते हैं वो तो केवल हम ही जानते हैं ना आप तो अच्छे से जानते हो ना नीति को उसके मन का कुछ ना हो तो वो कैसे रिएक्ट करती है उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है एक मिनट आप ऐ तो नहीं कह रही हैं कि आप लोगों ने अभी तक शैली को नीति और संजू के बारे में कुछ नहीं बताया मैं वही तो कह रही हूँ हमने शैली को कितनी बार समझाने की कोशिश की नीति के बारे में लेकिन शैली है कि कुछ सुनता ही नहीं है उस पर तो बस नीति का अरे बहन जी सत श्री अकाल सत श्री अकाल कैसे हो आप मैं अच्छी पर लग नहीं रहा है कुछ हुआ है क्या रजाई जी आप लोग ऐसे अकेले में सबसे दूर खड़े हैं कुछ बात कर रहे थे क्या जरूरी कुछ हुआ है क्या नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है शादी वाला घर है इतनी सारी तैयारियां करनी है हम लोग तो बस ऐसी जनरल बातें कर रहे थे कि क्या क्या करना है कैसे करना है सारी अरेंजमेंट की बातें यार तुम दोनों भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो सॉरी शैली सॉरी सॉरी Thank you.
बाजवाओं को पता नहीं, जिसे ये फुलछड़ी समझ रहे हैं वो असल में बारूद का गोला है। ऐसा फटेगा इस घर पर के बाजवा खानदान के तो चितड़े चितड़े हो जाएंगे। लेकिन नीति भूल गई कि मैं उसकी गुरु हूँ। चेला चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन गुरु से बड़ा कभी नहीं हो सकता। अच्छा नहीं किया तूने नीति, अपने साथ रखती तो अच्छा होता। खैर अभी भी कोई बात नहीं बिगड़ी, अभी देख तेरा सच सबके सामने लाती हूँ, तभी आएगी तू मेरे पास मदद मांगने। फिर बात करती हूँ तुझसे। किसी ने सही कहा कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। मुझे लगा नहीं था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी कि तुम मिलोगी। शैली किस्मत तुम्हारी नहीं मेरी अच्छी है जो तुम मेरी लाइफ में आए। नीति क्या बोल रही हो तुम? अरे किस्मत तो शैली की अच्छी है जो तुम इसकी जिंदगी में आई। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम तो हमारी हो ना। हमारी साइड से हो, परी की फ्रेंड हो, और जिससे भी शादी करोगी वो बहुत लकी होगा। यस। बच्चों तुम लोग को एक बहुत जरूरी बात बतानी है, खासकर नीति तुमको और शैली तुमको भी। तुमको पता है सगाई में अंगूठी कौन सी उंगली में बनाई जाती है? इस उंगली में। जानते हो क्यों? वो इसलिए ताकि तुम लोगों की शादी में ना कोई बला ना आए और तुम दोनों की जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे, बंध जाए। मुझे लग रहा है कि ड्रेस में कुछ प्रॉब्लम है, मैं आती हूँ। मैं आती हूँ। जानती थी मुझे देखते ही भाग जाएगी। कुछ कहा बेबे आपने? नीति नीति अच्छा ठीक है तू वॉशरूम होके आ जा। ये सगाई कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। मेरी सगाई मेरी शादी सब कुछ संजू के साथ हो चुका है और किसी के साथ कभी कुछ नहीं होगा। पर तूने शैली से शादी नहीं की तो तेरा सच तो सामने आ जाएगा ना सबके। आने दो, आई डोंट केयर। मैं सिर्फ संजू से प्यार करती हूँ, किसी और से सगाई कैसे कर सकती हूँ? यही तो प्रॉब्लम है तेरी नीति। तो सबको क्यों जता रही है कि तू संजू से प्यार करती है? क्यों देखती रहती है उसे ऐसे? और आज तो तूने आधी कर दी, तूने परी को ये बोल दिया कि तू संजू को पसंद करती है। हाँ तो क्या गलत कहा मैंने? मैं झूठ नहीं बोल सकती। I love संजू, सुना तुमने? मैं प्यार करती हूँ उसे। प्यार करती अच्छा है, लेकिन नीति अभी तो खेल शुरू हुआ है। अभी से सारे पत्ते खोल देगी तो तू आखिरी बाजी कभी नहीं जीत पाएगी। देख खेल तो तू बड़ी चलाकी से खेल रही, घर वालों के सामने तो पुरानी नीति है। क्या बात है, बकवास बंद करो अपनी। नीति किससे बात कर रही है तू? याद रख नीति, चाहे तू कितनी ही चाले चल ले, लेकिन हद से ज्यादा चालाकी बेवकूफी साबित होती है।
इति, ऐसे लगा कि अंदर कोई है और तुम दोनों की बहस हो रही हो। पागल हो गई है क्या? अंदर कौन होगा? अच्छा बता, तुझे क्या ठीक करना था? वो मैंने ठीक कर लिया। अच्छा ठीक है, लेकिन तू अभी शराब किसे बोल रही थी? ऐसा क्या करूं कि ये सगाई भी टूट जाए और किसी को मुझ पे शक भी ना हो। नीति क्या सोच रही है? मैं सोच रही थी कि डांस करते हैं। अच्छा, ये क्या हो रहा है नीति को? रब का शुक्र है कि गाड़ी रोक दी उन्होंने। अरे कहाँ जा रहे? हाँ? तू मारना। नीति, नीति मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत जरूरत है। एक तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकती हो। ये राकेश ने गुंडे बेचे मुझे मारने के लिए। नीति प्लीज मेरी हेल्प करो। तुम्हारा जो सच है मैं बाजा खाना के सामने नहीं आने दूंगा। आई प्रॉमिस। नीति, नीति प्लीज हेल्प मी। बेबे, क्या चाहिए? मैंनू कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस मैंनू इन्ना दस दो, आपने थोड़ी देर पहले ये क्यों बोला कि नीति आपको देखते ही भाग गई? क्योंकि जो मैं जानती हूँ ना, वो सबको पता है, लेकिन सबको लगता है कि वो गलत है। वैसे वो गलत नहीं है, लेकिन अपने आप को गलत समझ रहे हैं। ये क्या पहेलियां बुझा रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो तुसी? देख गुरिंदर, गलत को सही समझने से गलत सही तो नहीं बन जाता ना। खैर, मैनू की, मैं तो सही हूं ना। हाय रब्बा, बेबे कोई नशा कर लिया है क्या? सही गलत, गलत सही, जो भी कहना है ना साफ साफ कहो। समझाओ मैनू, क्या कहना चाह रहे हो? गुरिंदर, तेरी ये आदत ना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। अरे काम की बातें जल्दी समझ में ही नहीं आती हैं, बेकाम की बातें सब समझ में आती हैं। तो समझाओ ना। हाँ, समझ ले अच्छे से। देख, मम्मी को ये लग रहा था ना, नीति यादाश जाने का नाटक कर रही है। हाँ, वो सही थी, लेकिन मम्मी को यकीन हो गया कि नीति की यादाश सचमुच चली गई है। तो अब मम्मी गलत सोच रही है। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो कि नीति की यादाश? हाँ, अब सही समझी, अब सही समझी है तू। अरे गुरिंदर, तेरे को पता नहीं है मम्मी और तूने किस आफत को अपने घर में रख लिया है। डाइन होती है ना, वो भी सात घर छोड़कर वार करती है, पर ये नीति, हे भगवान, मेरे को लगता है डाइन से भी ज्यादा कोई बड़ी शैतानी ताकत का इसके ऊपर साया है। हाँ, नीतीप,